और छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब आज शाम तक मिल जाएगा। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री के का नाम तय करने के लिए नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विष्णुदेव साय और रेणुका सिंह के मुख्यमंत्री बनने पर यहां पर प्रमुख दावेदारी है। इसके अलावा भी कुछ और नामों पर चर्चा की जा सकती है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि पर्यवेक्षकों के फैसले का इंतजार है, चौंकाने वाला ही नाम आएगा, बीजेपी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा, चौंकाने वाला ही नाम अब सामने आएगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आज शाम साफ हो सकता है। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है, दोपहर 12 बजे ये बैठक होने वाली है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद हसन हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आपसे जानना चाहेंगे, हसन आपसे जानना चाहेंगे, विधायक दल की बैठक होने वाली है, पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ स्थिति है, क्या आज शाम ये छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फैसला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आज भाजपा विधायक दल की बैठक है जिसमें 54 विधायक जो है वो शामिल होने वाले हैं और आप देख सकते हैं सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज तीनों पर्यवेक्षक जो है अब से कुछ ही देर में खुशाबाऊ ठाकरे परिसर में पहुंचेंगे और वहां पर जो मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा है वो आज जो तय है, नाम जो है वो आज तय हो सकता है। सभी को इंतजार है कि आखिरकार किसका नाम जो है वो तय हो सकता है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, जहाँ पे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो है वो सभी तैयारियों का जो है वो जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार से जो तैयारियां वो की गई हैं। भाजपा के जो सभी विधायक हैं वो यहां पर जो है वो पहुंचने वाले हैं और करीब 54 विधायक जितने जो तमाम विधायक हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। पूरे परिसर को जो है वो यहां पर साज सजावट जो है वो यहां पर कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री का जो नाम है वो यहाँ पर फाइनल हो सकता है और शाम तक जो है इसकी घोषणा हो सकती है। 12 बजे जो है ये विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, विधायकों का आना शुरू हो गया है। एयरपोर्ट पर भी जो तीनों पर्यवेक्षक हैं उनके स्वागत के लिए जो है वो तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। तो बिल्कुल हसन, आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं, विधायक दल की बैठक होने वाली है, विधायकों से राय शुमारी पर्यवेक्षक करने वाले हैं, जो पर्यवेक्षक यहाँ पे आने वाले हैं, क्या कुछ लगता है किन नामों पे मुहर लग सकती है, क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़ा नाम जो है सीएम पद की रेस के लिए आगे दौड़ रहा है और ये भी सामने आ रहा है कि चौंकाने वालों नाम भी सामने आ सकता है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री होगा वो एक बहुत ही खुलासा जो है जो किया जाएगा, काफ़ी चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। हालांकि जो कयास लगा जा रहे हैं वो यही बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और रेणुका सिंह, ये तीनों नाम जो है वे सबसे ऊपर क्रम में जो है वो नजर आ रहे हैं। इन तीनों नामों में से किसी एक नाम पर जो है वो मोहर लग सकती है और मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ का वो बनाया जा सकता है। हालांकि अभी जो विधायक दल की बैठक है वो 12 बजे होगी। 12 बजे के बाद आपको बता दूं अरुण साव जो कि सांसद हैं, सांसद के बाद उन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में उनका नाम भी जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो कि 15 साल शासन में मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, इसके अलावा अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माफ कीजिएगा, इसके अलावा तो उनका नाम भी जो है वो काफी ऊपर। रेणुका सिंह भी काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि किस नाम पर जो है वो मोहर लगती है। जी हसन, आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में लगातार जब से सीएम की बात हो रही है, सीएम पद की बात हो रही है, तो आदिवासी फैक्टर की बात हो रही है, लगातार आदिवासी फैक्टर को लेकर चर्चाएं हो रही है कि आदिवासी यहां पर कोई सीएम बनाया जाएगा, जैसे कि रेणुका सिंह दौड़ में है, विष्णुदेव साय भी यहां पर इस रेस में है, सीएम की रेस में है, और दो पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं, तीन पर्यवेक्षकों में जो दो पर्यवेक्षक है वो भी आदिवासी है, तो ऐसे में ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि कोई आदिवासी चेहरा ही छत्तीसगढ़ का सीएम होगा, तो इससे लेकर क्या कुछ अभी वहां पर देख पा रहे हैं और क्या कुछ इसे लेकर क्या कुछ यहाँ पर चर्चाएं हैं?
बिल्कुल देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो आदिवासी नाम जो है जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल रेणुका सिंह का नाम चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो पर्यवेक्षक है वो भी दो, जैसे कि आपने जानकारी दी, आदिवासी नाम पर जरूर यहाँ पर जो है वो मोहर लग सकती है और मुख्यमंत्री जो है अगला छत्तीसगढ़ का वो किसी आदिवासी वर्ग से जो है वो जरूर यहाँ पर सामने आ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से विष्णु देसाई भी काफी पुराने और वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के 2023। जी हसन, आप नजर बनाए रखिए, फिर से हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो कौन होगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री? विधायकों से राय शुमारी करने वाले हैं पर्यवेक्षक। आपको बता दें कि आज भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है। आपको बता दें जिसे लेकर तीनों पर्यवेक्षक अब रायपुर पहुंच रहे हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सभी विधायकों की राय शुमारी के बाद ही सीएम कौन होगा यह तय किया जाएगा। तो आपको बता दें कई दिनों से, लगभग एक हफ्ते हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में मतगणना हुए, छत्तीसगढ़ में रिजल्ट आए चुनाव के, बीजेपी ने बहुमत हासिल किए, जिसके बाद मुख्यमंत्री बनाने का उन्हें मौका मिला है और मुख्यमंत्री पद के लिए पिछले एक हफ्ते से लगातार दिल्ली में हाईकमान की बैठक चल रही थी और अब आज राय शुमारी होगी और छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होने जा रही है। पर्यवेक्षक यहां पर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता चेहरा होगा, चौकड़ वाले भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता चेहरा होगा, चौकड़ वाले सर। सीएम चेहरे को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है, विधायक दल की बैठक है, सीएम को चेहरे को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, कौन हो सकता है सीएम? मतलब एक योग्यतम व्यक्ति हमारे बीच का सीएम होगा भाई, उसमें कोई संशय नहीं है। कवर्धा की अगर बात की जाए तो जीत का बड़ा कारण क्या मानते हैं? पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से वादा खिलाफी कर रही थी, 36 में से एक वादा पूरा नहीं किया इस सरकार ने। कवर्धा में तो भय और आतंक का माहौल मचा रखा था इन लोगों ने, जनता ने प्रतिकार किया है, नौजवानों ने खदेड़ा है उनको, इस तरीके की कवर्धा का चुनाव हुआ था। 50-60 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी मतलब वो ऐसे हारे हैं कि पूछिए मत। कैमरामैन रिजवान के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर। तो माथुर का कहना है कि बीजेपी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता ही सीएम होगा, चौंकाने वाला नाम भी सामने आएगा, ऐसा ओम माथुर का कहना है। तो भाजपा विधायक दल की बैठक आज होने वाली है प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पे। आज भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है, तीनों पर्यवेक्षक की मौजूदगी में ये बैठक होगी, विधायकों से राय शुमारी की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, रेणुका सिंह, विष्णु देव साय, ये तीन नाम ऐसे हैं जो अभी छत्तीसगढ़ के सीएम रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरे पर भी भाजपा का कहीं ना कहीं फोकस है। तो आज शाम तक सबको इंतजार करना पड़ेगा, विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में चर्चा होगी, सबसे उनके राय लिए जाएंगे, विधायकों से राय शुमारी की जाएगी। तो उसके बाद शायद आज शाम छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम सबको पता चल जाएगा। जी पूर्व, जैसा आपने बताया कि तीन नाम सबसे आगे हैं, आपको बता दें साथ में अरुण साव का नाम भी यहां पर काफी चर्चा में बना हुआ है। ओपी चौधरी जो कि युवा विधायक है, पहली बार विधायक चुन के आए, पूर्व आईएएस रहे हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। हो सकता है कि डिप्टी सीएम भी बनाया जाए छत्तीसगढ़ में, तो डिप्टी सीएम का जो चलन है वो भी हो सकता है छत्तीसगढ़ में, सीएम फेस के बाद डिप्टी सीएम का चयन भी हो सकता है। ऐसे में सीएम फेस के बाद डिप्टी सीएम के लिए भी इन्हीं पांचों में से कोई चुना जा सकता है पूर्वा। तो राय शुमारी की जाएगी आज, बता दे तीन पर्यवेक्षक यहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार तीनों पर्यवेक्षक के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है अब, और 12 बजे से ये बैठक होनी है, जिसके बाद सभी बीजेपी के जितने भी विधायक चुनकर आए हैं सभी की राय शुमारी होगी, उसके बाद ही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय किया जाएगा। कई दिनों से ये भी चर्चाएं हैं कि कोई भी जो सीएम है वो आदिवासी चेहरा होगा, तो आदिवासी चेहरे की अगर बात करें तो रेणुका सिंह सबसे आगे जिनका नाम चल रहा है, जो कि सोनत भरतपुर क्षेत्र से विधायक बन के आई हैं, इससे पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है, वो केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी हैं, तो सांसद भी थी और अब सोनत भरतपुर क्षेत्र से वो विधायक बनकर आई हैं, उन्हें मौका दिया गया था और अब उनका नाम सीएम फेस के लिए आदिवासी चेहरों में सबसे आगे है। फिर विष्णु देव साय आते हैं जिनका नाम भी सबसे आगे है, वो बहुत वरिष्ठ विधायक है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका व्यवहार काफी
मायने रखता है इस क्षेत्र में, काफी मायने रखता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के चुनाव सह प्रभारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बतौर पर्यवेक्षक रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया गया है। वहां से वो डायरेक्ट बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही थोड़ी देर में ऑब्जर्वर अर्जुन मुंडा और सर्वानंद सोनेवाल भी रायपुर पहुंचेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के साथ शनिवार रात यानी कल रात ही रायपुर पहुंच चुके हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर रायपुर से सामने आते हुए, जहां भाजपा विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। हम आपको बता दें कि रायपुर बीजेपी के पर्यवेक्षक रायपुर पहुंच चुके हैं। खत्म होगा सीएम फेस को लेकर सस्पेंस। तो आज विधायकों से राय शुमारी के बाद एयरपोर्ट से, रायपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भाजपा के पर्यवेक्षक जो है वो रायपुर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आईएनएच की स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायपुर एयरपोर्ट से आप देख सकते हैं। जयपुरवा ये रायपुर से सीधी तस्वीरें, एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर आज 12 बजे बैठक होनी है, जिसे लेकर अब पर्यवेक्षक रायपुर पहुंच चुके हैं। तो ये रायपुर से NH24/7 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद पर्यवेक्षकों का आना रायपुर एयरपोर्ट पर शुरू हो चुका है। रायपुर विमानतल की ये तस्वीरें हैं, और यहां पर आज सीएम फेस को लेकर लगभग सस्पेंस खत्म हो सकता है छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें 5 नाम जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं। पहले तो जो कि पूर्व सीएम रमन सिंह है उनका नाम है, उसके बाद रेणुका सिंह आती है, विष्णुदेव साय भी है, अरुण साव भी, उसके बाद जो युवा विधायक है ओपी चौधरी, उनका नाम भी इस रेस में आ गया है। तो इन 5 नामों पर मंथन हो सकता है कि चौंकाने वाला नाम सामने आया, जैसा ओम माथुर ने कहा है कि चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है, और बीजेपी का कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री हो सकता है। बिल्कुल, तो चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लिए 3 पर्यवेक्षकों अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनेवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति की है। तीनों पर्यवेक्षक आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, विधायकों से चर्चा करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाएंगे। रायपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आईएनएच की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर्यवेक्षक रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहां से वो सीधा भाजपा प्रदेश कार्यालय यानी कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। आईएनएच की स्क्रीन पर रायपुर एयरपोर्ट से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जिसमें अर्जुन मुंडा है, सर्वानंद सोनेवाल है, और आपको बता दें पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति की गई है। और अब तीनों ही पर्यवेक्षकों के रायपुर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये आपको सीधी तस्वीरें रायपुर विमानतल से भी हम दिखा रहे हैं, जहां पर पर्यवेक्षक आ रहे हैं। कई यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता उनका स्वागत करने के लिए पूरा यहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, क्योंकि पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे हैं और अब 12 बजे से बैठक रखी गई है। लगभग सभी विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं बीजेपी के, क्योंकि 12 बजे से बैठक होनी है, जिसके बाद उनसे राय शुमारी की जाएगी और जिन नामों पर चर्चा लगातार हो रही है उन पर राय शुमारी करने के बाद सीएम फेस का आज ऐलान हो सकता है। तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री के लिए 3 से 4 नाम चल रहे हैं। पर्यवेक्षक विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हाई कमान ने कोई नाम तय किया है महिमा, तो बता दें पर्यवेक्षक उस नाम को लेकर को भी विधायक दल में रख सकते हैं। तो पर्यवेक्षक बताएंगे कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, उस नाम पर विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। अगर उस नाम पर सबकी सहमति बनती है तो उस नाम पर बतौर सीएम मुहर लगा दी जाएगी। तो बीजेपी विधायकों को बैठक में शामिल होने की पहले ही सूचना दे दी गई थी, जैसा कि कल खबर सामने आई थी, पहले ही सूचना उनको दी गई थी। विधायकों से राय शुमारी के बाद मुख्यमंत्री का नाम आज शाम तक ऐलान किया जा सकता है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, जैसा कि अपूर्वा ने बताया है कि हाई कमान ने अगर कोई नाम तय किया होगा तो पर्यवेक्षक उस नाम को भी यहां पर लेकर आएंगे और विधायकों के बीच अपने उस नाम को, उस मत को भी रखेंगे। अगर विधायकों की राय शुमारी के बाद उसमें मत आगे आता है, विधायक इस पर हामी भरते हैं, तो हो सकता है कि इन 5 नामों में से कोई छठवां भी मुख्यमंत्री हो सकता है छत्तीसगढ़ का। लेकिन विधायकों की राय शुमारी के बाद ये फैसला किया जाएगा। हो सकता है कि इन 5 नामों में से ही कोई चुना जाए, हाईकमान ने इन 5 नामों में से ही किसी का नाम तय किया हो, या फिर कोई नया नाम भी हो सकता है, जैसा कि ओम माथुर ने बयान दिया है कि चौंकाने वाला नाम छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का सामने आ सकता है।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी हसन, आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यवेक्षकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्या कुछ अभी वहां पर आप माहौल देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपने आसपास अभी आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक आज होनी है जिसमें 54 विधायक और तीनों पर्यवेक्षक जो है वो शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के नाम पर जो सस्पेंस है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से भाजपा कार्यालय में जो है वो तैयारियां यहाँ पर की गई, प्रदेश कार्यालय को जो है पूरी तरीके से सजा दिया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं विधायक जो है केदार कश्यप भी आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जो पर्यवेक्षक है वो एयरपोर्ट से जो है वे सीधे जो है यहाँ पर रवाना हो गए और एयरपोर्ट से सीधे जो खुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर विधायक केदार कश्यप है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो भी यहाँ पर पहुंच गए विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए और मुख्यमंत्री के नाम पर जो सस्पेंस है वो आज खत्म हो जाएगा। कई बड़े नाम जो है वो लिस्ट में शामिल है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो कि 15 साल से यहाँ पर शासन में मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम भी जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। वहीं ओबीसी वर्ग आदिवासी नेता को जो है मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आ रही है उसको लेकर के भी यहाँ पर कई नाम जो है वो यहाँ पर सामने आए हैं। रेणुका सिंह का नाम जो है काफी ऊपर चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पूर्व अध्यक्ष विष्णु देवसाय का नाम जो है। आप बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में मौजूद है, आप अपनी नजर बना के रखिये, बहुत जल्द हम आपके पास वापस लौट के आएंगे। इसी बीच रायपुर एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता स्वप्निल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे रायपुर एयरपोर्ट पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कौन कौन पर्यवेक्षक अभी तक वहां पे पहुंच चुके हैं, क्या कुछ माहौल दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दिख रहा है, एयरपोर्ट पर किस तरीके की तैयारी है? हाँ जी, देखिए तीनों पर्यवेक्षक जो है वो रायपुर पहुंच चुके हैं और रायपुर एयरपोर्ट में उनके स्वागत के बाद तीनों पर्यवेक्षक जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सोनवाल और दुष्यंत गौतम तीनों ही पर्यवेक्षक जो है एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे के लिए रवाना हो गए हैं और सुबह 11 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और एयरपोर्ट का मैं एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जब पर्यवेक्षक पहुँचे तो उनका जो है पंथी नृत्य और राउत नाचा से भव्य स्वागत किया गया और यहाँ पर पर्यवेक्षक जब यहाँ पर आए तो उनका जो यहाँ पर स्थानीय भाजपा नेता है उन्होंने यहाँ पर स्वागत किया और उसके बाद पर्यवेक्षक जो है यहाँ से जो है प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं और प्रदेश कार्यालय में आज बैठक होगी और बैठक में छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर जो है कहीं ना कहीं आज फैसला होना है। तो इंतजार की जो घड़ी थी, पर्यवेक्षकों का जो इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है और तीनों ही पर्यवेक्षक जो है रायपुर पहुंच चुके हैं और प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में जो है तमाम जो मुख्यमंत्री के लिए 3 से 4 नाम चल रहे हैं, जैसा कि जानकारी सुन से लेकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के लिए 3 से 4 नाम जो है वो सामने चल रहे हैं, तो क्या ये पर्यवेक्षक विधायकों से 1-to-1 सीधे चर्चा भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जब विधायक दल की बैठक होगी तो जो नाम है जिसमें अभी 4 नाम जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट बताए जा रहे हैं जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह का नाम है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम है, इसके अलावा ओपी चौधरी जो पहले जो आईएएस थे उसके बाद आईएएस की नौकरी छोड़कर जो है 2018 का चुनाव लड़े, 2018 में उनको हार का सामना करना पड़ा लेकिन इस चुनाव में ओपी चौधरी शानदार वोटों से कहीं ना कहीं जीत दर्ज की है। वहीं आदिवासी अगर कार्ड की बात की जाए तो विष्णुदेव साय का नाम जो है कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इन 4 नामों में से कोई एक नाम जो है वो फाइनल किया जाना है। तो विधायक दल की बैठक आज 12 बजे जब शुरू होगी तो तमाम 54 विधायक मौजूद रहेंगे और उनसे जो है चर्चा की जाएगी, एक एक विधायकों से है पूछा जाएगा कि आपकी क्या पसंद है, उसके आधार पर जो है पर्यवेक्षक जो है छत्तीसगढ़ का नया मुखिया कौन होगा उसका चयन करते हुए नजर आएंगे। जी चलिए हसन का रुख करते हैं जो कि कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में यहाँ पर इस वक्त स्थित है। जी हसन, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या कुछ हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं और 3 पर्यवेक्षक तो यहाँ पर पहुंचे ही हैं, साथ ही और कौन से बड़े नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता आज सीएम फेस को लेकर के यहाँ पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ हलचल है अभी वहां पर?
बिल्कुल महिमा, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से, यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई, आप देख सकते हैं किस प्रकार से सजाया गया, और जो पर्यवेक्षक है मैं आपको बता दूं यहाँ पर अब से कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं, अलर्ट मोड पर जो है वो पूरे पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। तीनों पर्यवेक्षक एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट से अब से कुछ ही देर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो पर्यवेक्षक हैं उनकी गाड़ियां जो है वो साफ तौर पर आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रही होगी। 12 बजे बैठक शुरू होनी है और बैठक में तीनों पर्यवेक्षक जो है वो शामिल होने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनेवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार जो है वो प्रदेश कार्यालय खुशाभाऊ ठाकरे पहुंच गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबसे पहली गाड़ी में सर्वानंद सोनेवाल जो है वो गाड़ी से सीधे अंदर जा रहे हैं कार्यालय की ओर। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, साथ ही महासचिव दुष्यंत कुमार जो है वो भी गाड़ी में। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो है वो पहुंच चुके हैं और 12 बजे जो है ये विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में। 54 विधायक जो वो इसमें बैठेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पर जो है वो आज मोहर लगेगी, यानी कि जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। करीब 2 घंटे तक जो है ये बैठक चल सकती है, बैठक के बाद मुख्यमंत्री का नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा। एक और चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि आप सुबह पहले एयरपोर्ट पे भी मौजूद थे, अब आप प्रदेश कार्यालय में भी मौजूद है, कार्यकर्ता और विधायकों से आपने बात भी की, आप उनके बीच में रह रहे, तो आपको क्या लगता है क्या पार्टी आदिवासी सीएम के मूड में है या नहीं है? देखिए निश्चित रूप से अपूर्व, अगर बात करते हैं अगर आदिवासी चेहरे को यहाँ पर सीएम बनाने की बात जो है वो सामने आती है तो सबसे पहला नाम जो है वो रेणुका सिंह है, और इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विष्णु देसाई का जो नाम है वो सबसे ऊपर जो है वो चल रहा है। वहीं अगर युवाओं के चेहरे की बात करें तो ओपी चौधरी का भी जो नाम है वो यहाँ पर जरूर यहाँ पर फाइनलाइज किया जा सकता है। साथ ही जो चर्चाओं में नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का, क्योंकि उन्होंने 15 साल तक छत्तीसगढ़ में जब सरकार थी तो 15 साल उनको यानी कि 3 कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री का बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने निभाया और यहाँ पर पार्टी को जो है सफलता दिलाई। अब ऐसे में देखना होगा कि किस नाम पर जो है पार्टी भरोसा जताती है, क्योंकि 2 नाम यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी जो है सबसे ज्यादा चर्चाओं में, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से 2018 में चुनाव की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान जो है अरुण साव के हाथ में दी गई और एक शानदार जीत के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि श्रेय के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बनाया जा सकता है। जी जी हसन, आपसे जानना चाहेंगे कि 4-5 नाम तो लगातार जिस दिन से छत्तीसगढ़ में रिजल्ट आए हैं उस दिन से लगातार सीएम फेस के लिए छत्तीसगढ़ में 4-5 नाम तो लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन ओम माथुर का ऐसा सामने बयान आया है कि चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है और हाई कमान अगर इन 5 नामों के अलावा किसी और नाम पे हाई कमान ने वहां से वो नाम भेजे हैं तो उस पर भी रायशुमारी हो सकती है, तो क्या लगता है कि इन 5ों के अलावा भी कोई 6वां छत्तीसगढ़ में सीएम बन सकता है? देखिए फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं वो इन्हीं 7ों नाम पे, अगर चौंकाने वाले नाम की बात करें तो वो जरूर अरुण साव या तो फिर अगर हम आदिवासी नेता की बात करें तो विष्णु देसाई का नाम वो सीएम की लिस्ट में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम पहले से ही चर्चाओं में, उन्हें 3 बार का समय भी मिला, 3 कार्यकाल में उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर काम किया, लेकिन विष्णु देसाई एक बड़ा नाम हो सकता है। साथ ही ओपी चौधरी, क्योंकि ओपी चौधरी एक युवा चेहरा है, पार्टी के लिए बड़े नेता है, वरिष्ठ नेताओं में अब उनका नाम जो वो शुमार होने लग गया है, काफी मेहनत की उन्होंने पूरे जो चुनाव के दौरान है, और वहीं केंद्रीय मंत्रियों का जरूर उन पर जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं दिखा है। कहीं ना कहीं ऐसे जो कयास है वो लगाए जा रहे कि जो ओपी चौधरी है उनके नाम पर भी जो है वो यहाँ पर मोहर लग सकती है। हालांकि अब तक जो सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो अरुण साव, इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह, साथ ही विष्णु देसाई, इन 3ों नामों में से कोई एक जो है वो मुख्यमंत्री हो सकता है। जी 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 हसन, आप अपना यहाँ पर अपनी नजर बनाए रखें, देखें यहाँ पर क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, लगातार आप यहाँ पर अपनी नजर बनाए रखें। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के पर्यवेक्षक रायपुर पहुंच चुके हैं, 12 बजे विधायक दल की, बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में विधायकों से राय शुमारी की जाएगी, 1-to-1 चर्चा भी किया जा सकता है। उसके बाद आज शाम तक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तस्वीरें शायद आज शाम तक साफ हो जाएगी, लेकिन अभी भी सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है।